चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। कसली एक बहुत ही शरारती बच्चा था। उसे अच्छे काम करने नहीं आते थे और अपने हाथों से वो अक्सर परेशानी खड़ी करता। वो तो कभी कभी अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचाता था। एक दिन प्ले रूम में कसली ने एक टॉय ट्रक उठाया और उससे अपने दोस्त को मार दिया। कसली ने तो अपने हाथों से साफ सुथरी सफेद दीवार को क्रेयॉन से गंदा कर दिया। कसली अपने हाथों से अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता और चीजें बिगाड़ देता, इसलिए दूसरे बच्चे उससे दूर ही रहते। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जी नहीं। इससे कसली को गुस्सा आया और वो अपने हाथों से और भी बुरे काम करने लगा। एक दिन सारे बच्चे पहुंच गए अपनी टीचर के पास कसली की शिकायत करने। मिस डोर्थी, कसली हमेशा हमें मारता रहता है। वो सभी की चीजों को तोड़ देता है। प्लीज उसका कुछ कीजिए मिस डोर्थी। मिस डोर्थी ने एक प्लान बनाया कसली को ये दिखाने के लिए कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और कैसे सब खुश हो सकते हैं। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और सारे बच्चों को एक एक दिए। कसली ये देखकर हैरान हो गया कि फूल देने पर बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे थे। फिर मिस डोर्थी ने एक सुंदर सी तस्वीर बनाई और कसली ने देखा कि उसे देखकर बच्चे किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। फिर मिस डोर्थी ने अपने हाथों से कुछ बच्चों को गले लगाया। कसली समझने लगा कि ये हाथ कितनी खुशियां दे सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नन्हे बच्चे। हम भी आपसे प्यार करते हैं मिस डोर्थी। एक दिन मिस डोर्थी ने सारे बच्चों को बुलाया ताकि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करें। कसली भी डांस का हिस्सा था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा करके वो भी बहुत खुश है। कसली ने देखा कि कैसे मिस डोर्थी अपने हाथों से पौधों को पानी दे रही हैं, जिससे वो बड़े हों और सुंदर सुंदर फूल खिलें। एक दिन कसली एक लड़की को धक्का मारने ही वाला था कि तभी उसे वो सारी अच्छी बातें याद आ गईं जो मिस डोर्थी ने अपने हाथों से की थीं और उसने खुद को रोक लिया। कसली को ध्यान आया कि कैसे मिस डोर्थी इतनी खुशियां बांटती हैं अपने हाथों से छोटी छोटी चीजें करके, जैसे मिल्क शेक बनाना और सब में बांटना, या अलग अलग आकार में कुकीज काटना, या अपने हाथों को तितली के पंख बनाकर उन्हें फड़फड़ाना, उनका आसमान में पतंग उड़ाना और सारे बच्चों को फ्लाइंग किस देना। कसली को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस डोर्थी कैसे अपने हाथों से इतनी खुशियां फैलाती हैं। एक दिन मिस डोर्थी ने कसली को अपने पास बुलाया। कसली, तुमने देखा होगा कि हम कितनी कमाल की चीजें कर सकते हैं अपने हाथों से, और हमारे ये हाथ मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए, बांटने के लिए और देखभाल के लिए हैं, ना कि दूसरों को सताने के लिए। अगर तुम अपने हाथों से अच्छे अच्छे काम करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे।
आपने सही कहा मिस डोरोथी, हमारे हाथ मदद करने, प्यार करने, बांटने और देखभाल के लिए हैं। और आज से मैं भी अपने हाथों का इस्तेमाल यही सब चीजें करने के लिए करूँगा। कसली ने अपने हाथों का इस्तेमाल दया करने और प्यार करने के लिए किया। हाथ मिलाकर अच्छे दोस्त भी बनाए। ये!